नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और आज मैं बात करने जा रहा हूं निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक पे। अभी देखिए निफ्टी 50 का ये जो चार्ट है, अभी ये आप नीचे देखिए इसका MACD पहले बुलिश था, ठीक है ना, जबकि ये 8000 पे जब था, फिर उसके बाद ये बुलिश था, फिर वहाँ से कुछ चढ़ा है, चढ़ने के बाद ये 9000 पे रेजिस्टेंस लिया, फिर उसके बाद चढ़ के ये सीधे ऊपर गया। अभी देखिए क्या है, इतनी तेज़ी होने के कारण ये तो संभव है कि भाई स्टॉक गिरेगा ही, ठीक है। तो अभी ये देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे MACD के जो लाइन है, देखिए यहाँ पे अभी ये रेड कलर हो रही है, ठीक है ना, और यहाँ से अभी ये कैंडल इसका देखो गिर रही है, ठीक है, गिर रही है। और अभी आपको मैं, ये तो 1 ईयर का चार्ट था, अभी मैं आपको 1 मंथ का चार्ट दिखाता हूँ। देखिए इसका जो MACD है, देखिए कैसे गिर रहा है, ठीक है, और RSI भी गिर रहा है, और यहाँ पे आप कैंडल भी देखिए 11800 को ये टच करने के बाद ये 11294 का लो बनाया है, ठीक है, ये आज का है। और ये देखिए यहाँ पे, देखिए आपको मैं 5 दिन का चार्ट दिखाता हूँ, देखिए सेम ऐसे ही गिरावट हो रही है, और यहाँ पे MACD सीधे क्रॉसओवर, मतलब डाउन क्रॉसओवर हो रहा है। तो इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप अगर कहीं भी निवेश करिए तो थोड़ा करिए, अभी गिरावट का समय है, ठीक है। और अभी देखिए निफ्टी बैंक का 1 ईयर का चार्ट देखिए, ज़्यादा ये बुलिश हुआ है और फिर उसके बाद डाउन आया है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए निफ्टी बैंक का 1 मंथ का चार्ट, 1 मंथ का चार्ट ये देखिए 25,000 क्रॉस किया था, फिर उसके बाद अभी ये देखिए आज लो बनाया है 22,664 का, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए MACD का ये आप लाइन देखिए, आप ये देखिए नीचे डाउन हो रहा है, ठीक है ना, तो ये भी हाई हो गया है, आप इसमें बच के ही ट्रेडिंग करिए। मैं तो बोलता हूँ अभी थोड़े दिन रुक ही जाइए, ठीक है। और फिर उसके बाद ये देखिए 5 दिन का चार्ट सेम वही है, थोड़ा सा बस डिफरेंट ये है कि यहाँ पे देखिए RSI आप नीचे ध्यान से देखिए क्रॉस होके नीचे ही आ रहा है, ठीक है ना, पहले क्रॉस हुआ था, थोड़ा सा ब्लूश हुआ था, फिर उसके बाद डाउन हो रहा है, ठीक है। तो मैं यही चाहता हूँ, आप अगर निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा रुक जाइए, ठीक है, मार्केट स्टेबल होने दीजिए, जब मार्केट स्टेबल होने के बाद जब तेज़ी पकड़े, दो दिन तीन दिन अगर लगातार अगर तेज़ी होती है तो ये समझ जाइए कि मार्केट अभी तेज़ होने की संभावना है, ठीक है, तो आप वहाँ पर एंट्री ले लीजिए, ठीक है। वैसे भी हम आपको अपडेट करते ही रहेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड।